हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने एसएससी जीडी के लिए जो है वो आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं और इन टॉप 20 क्वेश्चनों में जितने भी हमारे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी सम्मिलित है। और जितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और जो इतने भी इंपॉर्टेंट होते हैं हम उनको साइड में नोट करते चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको इस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा बेहतरीन सेट है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों देखेंगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, क्या मैं आपकी हो जाएगा या किसी बदलाव की जरूरत नहीं, या मैं आपके या मैं आपसे हो जाएगा। देखेंगे, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो सबसे पहले देखेंगे ये जो दर्शन शब्द है ये बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है ये बहुवचन शब्द है। तो देखेंगे, मैं आपकी दर्शन करने आया हूं ये नहीं होगा, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है ये नहीं होगा। देखेंगे, मैं आपके दर्शन करने आया हूं बिल्कुल सेट हो बैठ रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और वो ऑप्शन नंबर डी है वो अपने आप से ही गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखेंगे, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। तो दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, क्या चौथे भाग में त्रुटि है या तीसरे में या दूसरे में या पहले में। देखेंगे, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। बुलाए कोई शब्द नहीं होता, हिंदी अध्यापक को क्या है, बुलाया। क्या बुलाया, यानी कि हमारे तीसरे भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से जो है पूछा गया है। मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द में त्रुटि बताएं। क्या लिंग के कारण त्रुटि है, या वचन के कारण, या कारक के कारण, या विशेषण के कारण। तो देखेंगे, मुझे मजा आती है कोई शब्द नहीं होता, मुझे मजा आता है। क्या मुझे मजा आता है, यानी कि इसमें जो हो जाएगी हमारी लिंग के कारण त्रुटि हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि आपको बताना है द्रुत का विलोम क्या होता है, क्या जड़ होता है, या अद्वैत होता है, या मंथर होता है, या वेग होता है। अगर बात करें द्रुत की, द्रुत का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है मंथर, मंथर का मतलब होता है धीमा। अगर बात करें जड़ की, जड़ का जो विलोम है दोस्तों वो होता है चेतन, क्या होता है, चेतन, नोट करेंगे। और अगर बात करें अद्वैत की, अद्वैत का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है द्वैत, आपको याद रखना है। अगर बात करें वेग की, तो दोस्तों जो हमारा वेग है, वेग का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर। अब आएंगे दोस्तों थोड़ा साइड में, थोड़ा हाथों को कष्ट दे लेते हैं। आप नोट करेंगे ऐच्छिक का, आप मुझे बताएंगे ऐच्छिक का विलोम क्या होता है, किसका, ऐच्छिक का बताएंगे। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक नोट करेंगे। क्या, ऐतिहासिक नोट करेंगे। और दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे एकत्र, आप मुझे बताएंगे एकत्र का विलोम क्या होता है। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे औचित्य का विलोम क्या होता है, क्या बताएंगे, औचित्य का विलोम क्या होता है। और दोस्तों एक और इंपोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे करुण, आप मुझे बताएंगे करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इनका आंसर आता है तो आप अपने मन में रखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर बात करें ऐच्छिक की, ऐच्छिक का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा अनैच्छिक, क्या हो जाएगा, अनैच्छिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और उसके बाद करें ऐतिहासिक की, जो हमारा शब्द है ऐतिहासिक, इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनैतिहासिक, क्या हो जाएगा, अनैतिहासिक, हमारा ऐतिहासिक का विलोम हो जाएगा। अगर बात करें एकत्र की, जो एकत्र है, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर बात करें हम विकीर्ण की, विकीर्ण का मतलब होता है प्रसार करना या फैलाना। उसके बाद आता है हमारा औचित्य, अगर बात करें औचित्य के विलोम की, इसका विलोम हो जाएगा क्या, अनुचित्य, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुचित्य, हमारा इसको विलोम शब्द हो जाएगा। और अगर बात करें हम करुण की, जो करुण है दोस्तों इसका जो विलोम होता है वो आपको याद रखना है वो होता है निष्ठुर। एक बार दोस्तों इसको रिपीट करेंगे, जैसे देखेंगे ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक होता है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है, एकत्र का विकीर्ण होता है, औचित्य का अनुचित्य होता है,
और करुणों का निष्ठुर होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, कथा के बेंगन मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या मनगढ़ंत बातें हैं, या असंभव वस्तु है, या कृपण व्यक्ति है, या केवल दूसरों के लिए उपदेश है? तो दोस्तों कथा के लिए बेंगन मुहावरे का अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे, जैसे जैसे कान लगाना का अर्थ क्या होता है? कान लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है आप मुझे बताएंगे। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे कान बड़े करना का जो मुहावरा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं, जैसे गांठ का पूरा होना, क्या गांठ का पूरा होना आप मुझे बताएंगे, गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, क्या चमड़ी जाए, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, आएंगे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आप नोट करेंगे इसका जो है मुहावरा क्या होगा दोस्तों। तो आएंगे, देखिए कान लगाना का मतलब क्या होता है? कान लगाना का मतलब होता है ध्यान देना, क्या होता है ध्यान देना, आपको याद रखना है। और कान बड़े करना का मतलब क्या हो जाएगा? चौंका देना, क्या होता है? चौंका देना दोस्तों। और अगर बात करें गांठ का पूरा होना का मतलब हो जाएगा मालदार होना, क्या हो जाएगा? मालदार होना। और दोस्तों अगर बात करें हम जमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका हो जाएगा बहुत कंजूसी करना, क्या हो जाएगा? बहुत कंजूसी करना, इसका जो हमारा है वो राइट हो जाएगा। और एक बार देखेंगे, जैसे कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना, और कान बड़े करना का मतलब होता है चौंका देना, और गांठ का पूरा का मतलब होता है मालदार होना, और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत कंजूसी करना। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है उज्जवल, क्वेश्चन नंबर 6 में सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो दोस्तों आपको बताना है क्या उज्जवल सही लिखा है, या उज्ज्वल्य सही लिखा है, या उज्जवल सही लिखा है, या उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जो उज्ज्वल शब्द होता है उनमें दोनों जय आधे बनते हैं, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है। रिक्त स्थान भरिए, से गहने बनते हैं, क्या टीन से गहने बनते हैं, या सोना से गहने बनते हैं, या सोने से गहने बनते हैं, या लोहे से गहने बनते हैं? तो आपका आंसर देखते ही आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या सोने से गहने बनते हैं, किससे? सोने से गहने बनते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल जो है किस प्रकार से हुआ है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। आंख लगाना मुहावरे का अर्थ है, क्या गहरी नींद आना, या झपकी आना, या आंख में दर्द होना, या गले पड़ना? तो दोस्तों आंख लगाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है झपकी आना। जैसे जैसे आप कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपकी आंख लग जाती होगी तो आपको आ जाती होगी झपकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झपकी आना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कुछ इंपोर्टेंट मुहावरे, जैसे गुड़ गोबर कर देना, क्या गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गुड़ गोबर कर देना आप नोट करेंगे। और दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंट लिख लेते हैं, जैसे हथियार डाल देना, क्या हथियार डाल देना का मतलब क्या होता है? हथियार डाल देना का मतलब क्या होता है। और एक और इंपोर्टेंट आप लिखेंगे, जैसे आग लगने पर कुआं खोदना, आपको इसका बताना है, आग लगने पर कुआं खोदना क्या क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों। आएंगे, इनको हम नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। देखिए दोस्तों, गुड़ गोबर कर देना का मतलब क्या होता है? किए कराए काम पर पानी फेर देना, इसका हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें हथियार डाल देना का मतलब क्या होता है? हार मानना, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करें हम आग लगने पर कुआं खोदना, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए ऑप्शन ढूंढना, यानी कि संकट के समय
संकट के समय क्या बचाव करना, क्या बचाव करना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे दोस्तों एक बार रिपीट करेंगे, जैसे गुड़ गोबर कर देने का जो अर्थ है वो होता है कि एक कराए काम पर पानी फेर देना, और हथियार डाल देना का मतलब होता है हार मानना, और आग लगने पर कुआ खोदना का मतलब होता है संकट के समय बचाव करना। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे, आपको ढूंढना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखेंगे, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। देखिए दोस्तों, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, क्या कोई त्रुटि नहीं है, या स्टेशन पहुंचते ही, या वह में त्रुटि है, या फोन कर दिया। तो आएंगे दोस्तों देखेंगे, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, वह यहाँ पर थोड़ा जो है वो गलत यूज हो गया है, यहाँ पर आएगा उसने, क्या आएगा उसने। देखेंगे, स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, यानी कि हमारे वह में यहाँ पर त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या अपवाद होगा, या वाद होगा, या संवाद होगा, या विवाद होगा। अगर बात करें सामान्य नियम के विरुद्ध बात की, तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम अपवाद की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। अगर बात करें वाद की, वाद का मतलब होता है कहना या बोलना, क्या होता है कहना या बोलना। और दोस्तों अगर बात करें संवाद की, संवाद क्या होता है किसी विषय वस्तु पर क्या चर्चा करना, क्या चर्चा करना होता है। अगर बात करें विवाद की, विवाद क्या होता है जब दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं ना, तो उनके बीच क्या होता है विवाद होता है किसी बात को लेकर, तो दो गुट के भिड़ने पर जो बात होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विवाद कहते हैं। जैसे आप नोट करेंगे दो दिशाओं के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दो दिशाओं के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दो दिशाओं के बीच की दिशा क्या कहलाती है, आप नोट करेंगे। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान उसको हम क्या कहेंगे, क्या मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, क्या मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्वाभाविक ज्ञान उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। और आप मुझे बताएंगे दक्षिण दिशा को हम क्या कहते हैं, क्या दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा को हम क्या कहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट नोट करेंगे, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, क्या जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको हम क्या कहेंगे, जिस पुस्तक में, जिस पुस्तक में क्या 8 अध्याय हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो आएंगे देखिए, सबसे पहले बात करें दो दिशाओं के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपदिशा, क्या कहते हैं उपदिशा नोट करेंगे। और दोस्तों मन में होने वाला स्वाभाविक, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोस्तों अंतर्ज्ञान, क्या कहेंगे अंतर्ज्ञान कहेंगे दोस्तों। और अगर बात करें हम दक्षिण दिशा को, दक्षिण दिशा को हम क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करेंगे, अवाची, क्या कहते हैं अवाची कहते हैं। और दोस्तों अगर बात करें जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको हम क्या कहते हैं अष्टाध्यायी, क्या कहते हैं अष्टाध्यायी कहते हैं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अष्टाध्यायी बुक के राइटर कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सद्भाव के विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों आपको बताना है सद्भाव का विलोम क्या स्वभाव होगा, या गुस्सा होगा, जो दुर्भाव होगा, या क्षम्य होगा। तो आएंगे दोस्तों देखेंगे, अगर बात करें हम स्वभाव की, स्वभाव का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्भाव, क्या हो जाएगा दुस्वभाव, क्या हो जाएगा दुस्वभाव हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें गुस्सा की, गुस्सा का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्यार दोस्तों। और अगर बात करें सद्भाव की, सद्भाव का होता है दुर्भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्षम्य की, क्षम्य का जो हमारा जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा दोस्तों अक्षम्य, क्या हो जाएगा अक्षम्य, आपको नोट करना है। सॉरी दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं। आएंगे क्षम्य का क्या होता है अक्षम्य, क्या होता है अक्षम्य होता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट विलोम शब्द नोट करेंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं दोस्तों। देखेंगे आप नोट करेंगे कर्कश, कर्कश का विलोम क्या होता है आप नोट करेंगे। और दोस्तों आप देखेंगे आमेश, आमेश का
विलोम क्या होता है और आप नोट करेंगे आय, आय का विलोम क्या होता है और दोस्तों आप नोट करेंगे आयत, आयत का विलोम क्या होता है, क्या किसका नोट करेंगे आयत का विलोम और आप मुझे बताएंगे इष्ट का विलोम क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखेंगे कर्कश, कर्कश का जो विलोम है दोस्तों वो होता है मधुर, क्या होता है मधुर होता है। और बात करें आमेश की, जो मांस खाने वाला होता है उसको हम आमेश कहते हैं और जो मांस न खाता हो उसको हम क्या कहते हैं निरामिष, क्या कहते हैं निरामिष कहते हैं। नोट करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो सवाल है। अगर बात करें आय की तो दोस्तों जो आय होता है आय का होता है व्यय, क्या होता है व्यय यानी कि खर्च। अगर बात करें आयात की, आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है बेचना। और इष्ट का मतलब क्या होता है अनिष्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट, आपको याद रखना है। दोस्तों देखेंगे एक बार, कर्कश का विलोम मधुर होता है, आमेश का निरामिष होता है, आय का व्यय होता है और आयात का निर्यात होता है। और बात करें इष्ट की, इष्ट का होता है अनिष्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तीनों रिक्त स्थान के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या भुवनो होगा या धरती होगा या आकाशो होगा या भवनो होगा। तो धरती तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, देखेंगे तीनों धरती के स्वामी नहीं होगा। और अगर बात करें आकाशो की, आकाशो भी नहीं होगा। और दोस्तों अब बात आ गई भुवनो और भवनों पर, ठीक है देखेंगे तीनों भुवनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीनों भुवनों के स्वामी है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखिए जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला के लिए एक शब्द है, क्या जिज्ञासु होता है, क्या शास्त्रज्ञ होता है, या समीक्षक होता है, या ज्योतिष होता है। तो दोस्तों अगर बात करें गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला वो क्या होता है, वो आपको बताएं समीक्षक होता है, क्या होता है समीक्षक। अगर बात करें जिज्ञासु की, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, क्या जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है, जिज्ञासु होता है। और शास्त्रज्ञ कौन होता है, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, क्या होता है शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला वो होता है शास्त्रज्ञ। और अगर बात करें हम किसकी, ज्योतिष की, जो हमारा ज्योतिष होता है, ज्योतिष बोलते हैं हम पंडित को, किसको बोलते हैं पंडित को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखिए अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से वो है पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, मेरे पिताजी मेरे लिए कपड़े लाए, तो क्या किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, या मेरे लिए, या मेरे को, या मुझे। तो दोस्तों मेरे लिए पिताजी कपड़े लाए, तो यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो हमारा वाक्य दिया गया है वो पूरा ही शुद्ध है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द होगा, मेरी रिक्त स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, क्या पूजा है, या याचना है, या प्रार्थना है, या आराधना है। तो दोस्तों जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप छुट्टी मांगते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप एक प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, क्या मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। दोस्तों देखिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन गलत है, आप यहाँ पर इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मातृहीन, क्या मातृहीन। और ऑप्शन बी आप लिख लेंगे मातृहीन, क्या मातृहीन। और ऑप्शन नंबर सी आप लिखेंगे मार्तहीन, क्या मार्तहीन। और ऑप्शन नंबर डी आप लिखेंगे मातृहीन, क्या आप लिखेंगे मातृहीन। तो दोस्तों देखेंगे आपको ये जो ऑप्शन है ये सभी गलत है, ये गलत टाइप हो गए हैं दोस्तों। देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, क्या मातृहीन होता है, या मातृहीन होता है, या मातृहीन होता है, या मातृहीन होता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको करप्शन कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर एक इंपोर्टेंट शब्द लिख दिया कौशल्या, क्या मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया कौशल्या, आप मुझे बताएंगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है। और जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया हिरण्यकशिपु, क्या लिख दिया हिरण्यकशिपु, आप मुझे बताएंगे कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है हिरण्यकपिशु। और आप मुझे बताएंगे अहिल्या, मैंने एक बहुत इंपोर्टेंट शब्द लिखा है अहिल्या, ये क्या शुद्ध है या अशुद्ध है। और एक शब्द मैं और ले लेता हूँ, जैसे ईसाई, क्या होता है ईसाई धर्म होता है ना ईसाई, मैं ले लेता हूँ ईसाई, ईसाई हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आएंगे देखेंगे। बात करें कौशल्या की, कौशल्या आप बोलेंगे भैया बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है कौशल्या, चाहे इस प्रकार से लिखा जाए या इस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार से या इस प्रकार से लिखा जाए, दोनों ही टाइप एकदम शुद्ध है, आपको याद रखना है। अगर बात करें हिरण्यकपिशु की, हिरण्यकपिशु कोई शब्द नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी है, आपको याद रखना है हिरण्यकशिपु होता है, क्या होता है हिरण्यकशिपु होता है, क्या हिरण्यकशिपु होता है, ये हमारी इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। अगर बात करें अहिल्या की, अहिल्या कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है अहल्या, क्या होता है अहल्या होता है, बिल्कुल नोट करना है, इंपोर्टेंट वर्तनी है ये भी। और अगर बात करें ईसाई की, ईसाई में छोटी ई नहीं आती भैया, ईसाई में आती है दोनों बड़ी ई, क्या आती है ईसाई। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी जो है वो कर लिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 जो है किस प्रकार से पूछा गया है, यमुना का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि आपको क्या बताना है, यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या आपगा होता है या तड़ाव होता है या अर्कजा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है तड़ाव किसका होता है, तड़ाव होता है तालाब का, किसका होता है तालाब का होता है, या इसी को हम क्या सरोवर कह सकते हैं, क्या सरोवर कह सकते हैं। और अगर बात करें यमुना की, यमुना का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा अर्कजा। और अब आ जाएंगे थोड़ा साइड में, साइड में आप मुझे बताएंगे इशारा का पर्यायवाची, क्या बताएंगे इशारा का पर्यायवाची बताएंगे, ईसाई का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी मैं साइड में लिखता हूं आप इनको सभी को नोट कीजिएगा, और बाद में जो आपके याद नहीं होगा उनको याद कीजिएगा। और एक इंपोर्टेंट और ले लेते हैं इंद्र, आप मुझे बताएंगे इंद्र के पर्यायवाची, और आप मुझे बताएंगे ईर्ष्या के, क्या ईर्ष्या का पर्यायवाची बताएंगे, और आप मुझे बताएंगे उजाला, क्या उजाला का पर्यायवाची आप मुझे बताएंगे दोस्तों, तो आएंगे। अगर बात करें उजाला की, उजाला का क्या हो जाएगा, एक तो हम क्या आलोक कह सकते हैं, क्या आलोक कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं उजाले को, उजाले को हम कह सकते हैं प्रभा, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है प्रभा भी, हम उजाले को कह सकते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोत, दोत किसका पर्यायवाची है उजाला का है। और एक और नोट करेंगे नूर, क्या नूर नोट करेंगे, और एक नोट करेंगे ज्योतिष, क्या करेंगे ज्योति नोट करेंगे सॉरी दोस्तों, और एक नोट करेंगे हम प्रभा, प्रभा भी हमारा जो है सॉरी दोस्तों प्रभा तो हम नोट कर चुके हैं, ये आप मत कीजिएगा। आएंगे दोस्तों ईर्ष्या पर, हम बात करें ईर्ष्या की, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, एक तो हम कह सकते हैं द्वेष, क्या कह सकते हैं द्वेष कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं और मत्सर कह सकते हैं, मत्सर भी हमारा जो ईर्ष्या का ही पर्यायवाची शब्द है। और एक होता है कुंडन, क्या होता है कुंडन, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है आपको याद रखना है। और एक और नोट करेंगे डा, क्या करेंगे डाय भी हमारा जो है वो ईर्ष्या का ही पर्यायवाची होता है। अगर बात करें इंद्र की, इंद्र बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बार बार जो है वो एग्जाम में पर्यायवाची पूछे जाते हैं। और बात करें इंद्र की, इंद्र क्या होता है, एक तो होता है शुक्र, क्या होता है शक्र होता है, आपको याद रखना है। एक होता है पुरंदर, क्या होता है पुरंदर भी इंद्र देवता का जो है वो पर्यायवाची है। और एक बहुत इंपोर्टेंट है सचिपति, क्या सचिपति, सचिपति भी जो है वो हमारा इंद्र देवता का जो है वो पर्यायवाची है। और एक और हो जाएगा जैसे अमरपति, क्या हो जाएगा अमरपति भी जो है हमारा इंद्र का जो है वो पर्यायवाची है। और आपको सुरेश और देवेश आपको पता ही है, मैं आपको नोट नहीं कराऊंगा। अगर बात करें इशारा की, इशारा क्या हो जाएगा, इशारा हो जाएगा एक प्रकार से संकेत, क्या हो जाएगा संकेत भी हमारा इशारा का ही पर्यायवाची हो जाएगा। और इंगित करना, क्या इंगित, इंगित करना, इंगित भी हमारा इशारे को ही कहते हैं। और एक होता है सैन, यानी कि सैन भी हमारा इंपोर्टेंट हो जाएगा। और एक होता है निर्देश, क्या होता है निर्देश भी जो है वो हमारा
इशारा का पर्यायवाची होता है। एक बार इसको रिपीट करेंगे, देखेंगे इशारा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। संकेत कह सकते हैं, इंगित, सैर और निर्देश हम इशारा को कह सकते हैं। अगर बात करें इंद्र की, इंद्र शक्र होता है, पुरंदर होता है, सचिपति होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है अमरपति, बहुत बार पूछा गया है। बात करें ईर्ष्या की, ईर्ष्या का होता है द्वेष, मत्सर, कुंडन और दाह, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। और बात करें उजाला की, उजाला का आप सभी को पता है आलोक, प्रभा, ध्योत और नूर, बहुत इंपोर्टेंट है और ज्योति आपको पता ही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने सभी को नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर दोस्तों आपको गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर बताना है। देखेंगे, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजार रहे थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोपड़ी के चूहों को निपटने के लिए एक बिल्ली पाली, बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो बताना है, साधु अपना निर्वाह डैश डैश करके करता था, क्या खेती करके करता था, या बच्चों को पढ़ाकर करता था, या भिक्षाटन करके, या नौकरी करके। तो यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन क्या, एक साधु थे क्या करके, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजार रहे थे। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, भिक्षाटन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से जो है वो पूछा गया है। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द चुनो। क्या आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द आपको चुनना है, क्या अवश्य हो जाएगा, या जरूरत हो जाएगा, या अकलमंद हो जाएगा, या परिश्रम हो जाएगा। जो आवश्यकता है, आवश्यकता का मतलब होता है दोस्तों जरूरत, क्या होता है जरूरत होता है, अवश्य क्या होता है, अवश्य होता है जरूरी, क्या होता है जरूरी होता है, और अकलमंद क्या होता है, होशियार होता है, आपको याद रखना है, और परिश्रम है, हार्ड वर्क करना आपको याद होगा ही दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर, जो कि हमारे सेशन का आज अंतिम सवाल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो के बाद में कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर रहा और आपको बताना है कि आपको सेट कैसा लगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महत्वाकांक्षा के स्थान पर उचित अर्थ होगा, क्या अवश्य होगा, या जरूरत होगा, या अकलमंद होगा, या दोस्तों परिश्रम होगा। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वे सेम हो गए हैं, मैं आपको इसके दूसरे ऑप्शन बता रहा हूँ। सॉरी दोस्तों आपको ये जो है पीडीएफ में बिल्कुल एकदम सही मिल जाएंगे। जैसे आप नोट करेंगे बलवान होना, ऑप्शन नंबर ए बना देता हूं मैं, जैसे बलवान होना, क्या बलवान होना। और दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, ये दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, आप नोट करेंगे बलवान होना, और आप नोट करेंगे उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, क्या नोट करेंगे, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, क्या उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। और दोस्तों आप एक और नोट करेंगे दयालु, क्या करेंगे, दयालु करेंगे। और एक ऑप्शन नंबर डी आप करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं, क्या नोट करेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, महत्वाकांक्षा के स्थान पर उचित अर्थ होगा, क्या बलवान होगा, या उन्नति को प्राप्त होगा, या दोस्तों दयालु होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा को ही हम क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और दोस्तों मिलते हैं आप कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए इसी प्रकार से बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।